वो हमारी जनरेशन है ये युद्ध लड़ा, तो इसके लिए कई लोग मैंने आपको बताया जिनको मैं पर्सनली जानता था, कई किस्से जो खुद मतलब अपनी जानकारी में है और किस बहादुरी से वो लड़ा गया है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर आप वहाँ पे अगर चले जाएं तो लड़ना तो दूर की बात है, वहाँ पे उन पहाड़ों पे चढ़ना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ उन पहाड़ों की ऊंचाई ऐसी है या उनका स्लोप ऐसा है कि उस पर चढ़ना ही एक अपने आप में एक मुश्किल काम है। और उस चौड़ाई पर जब दुश्मन सामने बैठा हो और हमला करके उसको दुश्मन को वहाँ से मार भगाना, ये अपने आप में शायद हिंदुस्तान आर्मी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वेरी गुड सर। और हमारी उन जिन लोगों ने अपनी शहादत दी उस युद्ध में, हमारा अब कर्तव्य है और हमारा ये मैं कहता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ पे हम खड़े होके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल। तो मेरा निवेदन है सबसे कि ये जो भावना है देश प्रेम की भावना, ये इसी तरह जलती रहे। हिमाचल में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है, हिमाचल में सेना, तीनों सेनाओं वायु सेना और जल सेना, इनके लिए जो प्रेम है और हमारे लोग वॉलंटियर होकर जाते हैं इनमें, ये बहुत ही अच्छा है। और वो उन्हीं से मिसाल लेते हैं, उनके जो हम प्रीवियस जनरेशन जो हमसे पहले अपनी कुर्बानी देके गई है उनका हम नाम लेते हैं और उनके नाम पे हमने अपनी सड़कों के नाम और चौकों के नाम रखे हैं, उनसे वो प्रेरणा लेते हैं। जी बिल्कुल सर, कि ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी इसी कुर्बानी के लिए तैयार है। सेना हमेशा से प्रेरणादायी रही है, आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहता हूँ कि देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। आपको जिस भी क्षेत्र में आप हों, ज़रूरी नहीं कि वो सेना में ही है, आप जिस भी क्षेत्र में हों, चाहे आप एक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट में हैं, कोई आप बिजनेस करते हैं, देश सेवा के लिए आपके पास बहुत मौके आएंगे। उस समय यही भावना रखिए कि कोई तो देश के लिए जान देने को भी तैयार है और हमसे जितना बन सके वो हम देश के लिए करें, तभी यह देश आगे बढ़े। बीजेपी कितना कारगर साबित होगा सर आने वाले समय में, क्या देखते हैं? ये देखिए, ये हमारे देश में आप देखिए शुरू से ही पिछले जितनी आप हिस्ट्री देख लीजिए आप, हमने युद्ध के लिए हमेशा वॉलंटियर होकर ही लड़े हैं, किसी ने हमको ज़बरदस्ती को युद्ध नहीं लड़वाया। तो हमारी सेना एक वॉलंटियर सेना रही है और इसमें लोग खुशी खुशी आएंगे और खुशी खुशी अपना काम करेंगे। मुझे पूरी आशा है कि हमारी जो सेना का जो स्टैंडर्ड है इसमें कोई कमी नहीं हो सकती, ये हमेशा बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे हम हमारे हथियार बेहतर हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग बेहतर हो रही है, अगले युद्ध में हम पहले से भी ज़्यादा बढ़कर काम करेंगे।